पर उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करता हूं। आज का वक्तव्य विषय रखा है हमारी संस्कृति एवं सभ्यता का नया वर्ष क्या और कैसे, यह सब्जेक्ट। ये हमारा जो सनातन धर्म जो सर्वगत रहते हैं और काल होता है अखंड, लेकिन इसको विभाग किया गया। कैसे विभाग किया गया? जीव का चित्तवृत्ति अनुसार धर्म का ऊपर जो अभाव व प्रभाव आता है इसका विचार करके इस काल को पहले विभाग किया चार हिस्सों में, सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि, ऐसा विभाग किया। और ये लोग उनका स्थिति अनुसार इनका आयु भी निर्णय कर दिया। इतना बोलने का टाइम नहीं है, आधा घंटा टाइम है। देखो इसको ऐसा किया, मोटा मोटी कलियुग का आयु 4,32,000 वर्ष, इससे दुगुना द्वापर, तीन गुना त्रेता, चौगुना सत्य, अर्थात इसको 10 गुण करने से एक होता है दिव्य युग। इसी मापिक एकात्तर चतुर्युग चला जाता है एक मोनु का राजत्व। ऐसा ऐसा हिसाब हमारा यहां है जो दूसरी स्थानों पर दिखने को मिलता है, लेकिन इसको भी और भाग किया से। इसको गणना करके कौन सा गणना किया, ये वर्ष आता है कैसे, ये सौर वर्ष चंद्र वर्ष। सौर वर्ष होता है और चंद्र वर्ष में अंतर है। चंद्र वर्ष में 27 रोज होता है नक्षत्र के अनुसार, और सौर वर्ष में हमारा होता है 365 वर्ष में। तो इसी को सामंजस्य रखने के लिए इसको क्या करते हैं, 2 साल 8 महीना 15 रोज के बाद इसको एक एक महीना छोड़ देते हैं। इसको बोलते हैं पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास का भी दो किस्म का विचार, एक स्मार्ट एक परमार्थ। परमार्थ विचार में पुरुषोत्तम महीना उत्तम महीना, स्मार्ट विचार में ये पुरुषोत्तम महीना मौल मास, इसमें कोई अच्छा काम होता नहीं, क्योंकि स्मार्ट विचार में भोगवाद में भोगक्रिया के लिए इस महीना में कोई मौका नहीं है, इसलिए ऐसा होता नहीं, इसलिए ये लोग इसको छोड़ देते। इसको एडजस्ट करके हमारे यहां चलते हैं। नववर्ष क्या होता है, अपना अपना काम के लिए कोई सूर्य सिद्धांत के अनुसार एक एक स्थान पर एक एक किस्म का, हमारे भारतवर्ष में कई किस्म का नववर्ष है। वही जो नववर्ष वहां नववर्ष से लेकर सारा वर्ष तक हम लोग क्या करते हैं ना, हमारा जो कृत्य कौन सा कृत्य है, हमने जो अवांछित अवस्था में आ गया, और हमारा धर्म है सनातन, लेकिन ये जगत के जो क्रिया ये तो सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म है नित्य, लेकिन जो हम लोग आचरण करते हैं ये ले जाता है हमको सनातन धर्म का तरफ, इसीलिए इनका गोल है सनातन नित्य, इसीलिए इसको कहते हैं सनातन धर्म। यही सनातन धर्म में कर्म मार्ग में हम लोग उनको ले जाएंगे, जहां जाने से लौट के आने नहीं पड़ेगा उस स्थान पर। वही शास्त्र गीता शास्त्र में देखा जा जानती देव व्रता देवन पितरी जानती पितृव्रता भूतानी जानती भूतेच जानती मज्जाजिन उपी माम। जो लोग पितृत पितृपुरुषों की सेवा करती हैं पितृलोक में जाएगा,
जो जीव का सेवा करते हैं भूतों का, ये जीवन वहां रहेगा। देवता लोग उनका जो सेवा करता है देवलोक में जाएगा, और जो भगवान का सेवा करेगा भगवत धाम में जाएगा। यही भगवत धाम में जाने के लिए वो हमने शुरू करते हैं वर्ष से नूतन नया नया एनर्जी लेकर, जिस प्रकार से क्रिया करे तो मैं भगवान का तरफ जा सको। तो इसका भी जो लोग कर्म मार्ग में जाते हैं ये लोग क्या करते हैं, इस हिसाब से भगवान का सेवा करने वाला भगवत धाम में जाएगा। तो भाग क्या हुआ ना, भगवान का धाम है जहां जाने से और लौट के आने नहीं पड़ेगा। और जो क्रिया देव सेवा आदि ये देवलोक में जाने से वो पुनरावर्तन होगा, वहां रह नहीं सकता। लेकिन हमारा सनातन धर्म में भी ऐसा व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? ऐसा देव देवी का पूजन का, ये पूजन का जो व्यवस्था ये नित्य के लिए नहीं, ये लोग उनका जिसको जो प्रवृत्ति तामसिक राजसिक शक्ति, इस तामसिक राजसिक शक्ति की प्रवृत्ति से इनको कर्म मार्ग में निर्गुण का तरफ लेने के लिए व्यवस्था दिया गया। इसलिए दिया जाता है कैसे, जो यहां से हम कब जा सकते हैं, कब हम सुख प्राप्त कर सकते हैं, ना सुख प्राप्ति का उपाय एक ही है और दूसरी नहीं। या सुख प्राप्ति का उपाय, जब हम ऋण को उतार सके और प्रवास में नहीं रहकर अपना स्थान पर जा सके तब हम सुखी बनेंगे। युधिष्ठिर महाराज को जब दुख प्रश्न किया था, कौन सुखी है कुछ जो मोदते, तो उनका उत्तर में उन्होंने हम लोग उनको शिक्षा दिया। ये शिक्षा हम लोग को मानने पड़ता है। क्यों मानता हूं, अगर युक्ति करे तर्क को उठाए ये मानने का क्या जरूरत है, तो ये बात है सत्यवाद नित्यवाद, इनका कोई परिवर्तन नहीं। जगत का जो विचार ये हर वक्त परिवर्तन होता है, लेकिन इस बात को कोई परिवर्तन नहीं है, इसीलिए इनको मानने पड़ेगा, यही प्रामाणिक है। बाकी सब बदल जाता है, वो नहीं। उन्होंने बताया जो ऑरिणी अप्रवास वो सुखी बनेगा। ऑरिणी कौन बनेगा, पहले तो समझो ऋण क्या है ना। हमारा ऋण है पांच किस्म का, देव ऋण, पितृ ऋण, नृऋण, ऋषि ऋण, आप्त ऋण, ये सब ऋण है हमारा। इसीलिए इस ऋण को उतारने के लिए सनातन धर्म में ऐसा व्यवस्था दिया। क्या व्यवस्था दिया, हम लोग जिनसे शरीर प्राप्त किया पिता माता से, इनका प्रति हमारा कर्तव्य है। इस कर्तव्य क्या कर्तव्य है, इनको सेवा करना। इनको सेवा कैसे करता हूं ना, जब पिता माता रहते हैं उनको सेवा करना, ये हमारा सनातन धर्म हमारा संस्कृति में ये व्यवस्था है सेवा करना। अगर जब उन्होंने चला जाए तो उनको सेवा, उनको भी सेवा, क्योंकि सनातन धर्म वाला इस शरीर को व्यक्ति नहीं मानते। इसीलिए आत्मा जो ये नित्य है, इसलिए पिता माता इस नित्य है, प्राणी नित्य है। इसीलिए जब चला जाते हैं हम जानते क्या जानते, यहां नहीं है, वो कहां गया, पितृलोक में गया, क्योंकि पितृ सेवा किया, पितृ जानती पृथ्वीव्रता। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में वही निर्गुण का तरफ भगवत धाम की तरफ जाने के लिए एक विचार दिया, ये व्यवस्था दिया। क्या व्यवस्था दिया, जब इनका देहांत होता है
तो महीना महीने में वही जो गणना है तिथि, वो तिथि अनुसार महीना महीने में उनको भोजन देने पड़ता है। अगर एक भोजन देने से उनको क्या होता है, उनसे उनका प्राप्ति होता है स्वर्ग, स्वर्ग जाती है, स्वर्ग प्राप्ति हो जाता है। तो आप क्या करते हैं ना, महीना में नहीं साल में एक रोज। क्यों साल में एक रोज देते हैं ना, हमारा जो यहां का जो गणना, हमारा जो व्यवस्था ये होता है क्या ना, 24 घंटा में एक दिन, और मोटी मोटी हिसाब से 30 दिन में एक महीना। तो इसलिए पितृलोक में हमारा एक महीना में एक दिन बनता है, इसलिए एक दिन देने से उनको महीना का दिन का सेवा हो गया, महीना में एक दिन देने से। जब स्वर्ग में चला गया तब साल में एक रोज, साल में एक रोज क्या देता हूं ना, स्वर्ग में अर्थात देवलोक में हमारा एक साल में एक दिन बनता है, वहां एक दिन देता हूं साल में। फिर विचार है, क्या विचार है, जो लोग भगवत भजन करते हैं, जो लोग गया में विष्णु पाठ पद्म में देते हैं, सेवा देते हैं, पिंड देते हैं, उनको और करने का जरूरत नहीं। इसलिए वही भगवत धाम में वो भेज दिया हुआ, उनको देकर उनको भगवत धाम में दिया, इसीलिए उनका कोई और जरूरत नहीं पड़ता है। और जो लोग भगवत भजन करते हैं, और भजन करने वाला जो है ये जब भगवत भक्त हो तो इनका पिता माता को कोई उद्धार हो गया, भगवत धाम में चला गया, इसलिए इनको ऐसा जरूरी नहीं है ये श्रद्धादि करके उनको भेजना। इनका भी तीन हिस्सा बनाया, इनका भजन अनुसार एक कनिष्ठ मध्यम उत्तम। जो कनिष्ठ भक्त होता है इनका सार पिता माता उद्धार हो जाती, जो मध्यम है उनका 14, जो उत्तम उनका 21। ये कौन सा हिसाब है, जे अभी हमारा जन्म हुआ मनुष्य, पहले हमारा जन्म था और कोई, इसी में भी 7 जन्म तो जो जो पिता माता था ये सब उद्धार हो गए। जिसलिए ये विचार स्थूल नहीं, इसलिए हमारा पिता हमारा उनका पिता उनका पिता ऐसा हिसाब नहीं। जो ये हमारा जो शरीर ये जैसे हमको सेवा का मौका दिया, इसमें भी जिस जन्म में जो शरीर मिला था उस शरीर का पिता माता जो है वो भी इससे उद्धार। ऐसी सूक्ष्म वैज्ञानिक पद्धति ये हमारा सनातन धर्म में रखा है, दिखाया है, जो कहीं भी देखने को मिलता नहीं। इससे क्या होता है, वो जो चिड़िया पशु पिता माता से जब आया उनको भी उद्धार हो जाता है। इसी मानी क्रम मार्ग में सबको कोई भगवत धाम को ले जाने के लिए है। इसलिए हमारा जो विचार ये कहां से आया, भगवान से। भगवान ने वेद उपदेश दिया, भगवान ने शक्ति संचार करके ऋषियों से सब पद्धति बनाया उनका पास लेने के लिए, क्योंकि भगवान का साथ हमारा संबंध नित्य, इसलिए भगवान का हमारा प्रति स्नेह ममता ये नित्य। हमारा कल्याण के लिए भगवान ने ये सब व्यवस्था दिया, जो सुष्ठु रूप से ये हमारा संस्कृति में देखने को मिलता है। और ये भी बताया, इतना नहीं, जो हमारा ऋण 5 होता है, क्या है, पहले बताया देवसी भूतत्व नृणाम पितृणाम नौ किंकर नायम ऋणी च राजन सर्वात्मनाज शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिवर्तवत्। जो सर्वत भाव से हर तरीके से
बेसक्त शरणागत हो जाए भगवान के चरणों में, उनका ये पांच दिन नहीं रहता, अलग अलग करके इसको देने को जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अलग अलग देने के लिए जो पद्धति, ये सुष्टु नहीं है, और ये जो देने का पद्धति ये सुष्टु है, इसमें कोई असुविधा।